अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लॉजिकल थिंकर्स। माय नेम इज़ हारिस एहसान। सर, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि एक जावा स्क्रिप्ट का जो है सिंपल बेसिक सा इंट्रोडक्शन किया था कि वो जो है क्या होती है और क्यों यूज़ की जाती है। तो आज जो है हम इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अब जावा स्क्रिप्ट जो है यूज़ कैसे करते हैं, ये क्या है, मेरा HTML का पेज है, बॉडी के टैग के अंदर क्या करूँगा, मैं स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब मेरी जो पूरी जावा स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट या कोड जो होगा ना जावा स्क्रिप्ट का, वो मेरा पूरा जो है स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आएगा। ठीक है, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल जो है कोई चीज़ प्रिंट करानी है, तो मैंने क्या लिखा, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा ना डबल कोटेशन के अंदर, वो क्या होगा, मेरे वेब पेज में शो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और फिर मैंने इसको इसका रिजल्ट चेक किया, ये लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ मैं लिखवाता हूँ हेलो हारिस, ठीक है, और क्या हो, इसके बाद जो है लाइन ब्रेक हो, यानी कि एक लाइन का गैप हो, और फिर लिखा हुआ आए हैव अ नाइस डे। ठीक है, हेलो हारिस, लाइन ब्रेक, फिर हैव अ नाइस डे। ये क्या हुआ, सिंपल BR से लाइन ब्रेक हो गई। और इसके अंदर जो है हम HTML के टैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे किया H1 और यहाँ पे H1 का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको मिटा दिया और यहाँ पे मैंने P का टैग ओपन किया और यहाँ मैंने P का टैग क्लोज कर दिया। मैंने क्या क्या किया है, H1 में लिखा हेलो हारिस और P के टैग के अंदर लिखा हैव अ नाइस डे। अब मैं इसका रिजल्ट चेक करता हूँ प्रीव्यू करके, तो ये देखें, ये आ गई मेरी H1 हेडिंग और ये आ गया मेरा पैराग्राफ। तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो है हम HTML के टैग या फिर HTML के एलिमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, एक स्क्रिप्ट का जो है बेसिक सिंटैक्स था कि हमें जो है अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करानी हो तो वो जो है हम किस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं वेब पेज के अंदर।